अब 42वें काव्य में आचार्य मानतुक स्वामी, अगर युद्ध की स्थिति आ जाती है कभी युद्ध की स्थिति आती है, तो उस समय भगवान के भक्त विजयी होते हैं, और अगर दोनों भगवान के भक्त होते हैं तो मित्र बन जाते हैं। युद्ध में अगर दोनों पक्ष वाले भगवान के भक्त होंगे तो मित्र बन जाएंगे, और अगर एक पक्ष भगवान का भक्त है तो फिर वो पक्ष विजयी हो गया, उनकी जीत होती है। तो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि युद्ध में व्यूह रचनाएं बनती हैं, चक्र व्यूह, गरीब व्यूह, शंख व्यूह, अलग अलग प्रकार के सैनिकों को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन से खड़ा कर देते हैं, और फिर वो युद्ध की व्यूह रचना होती है। तो उस व्यूह रचना को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर भगवान की भक्ति से उसको तोड़ने का भी एक प्रक्रम बताया गया है। और दो काव्यों में युद्ध का वर्णन, एक तो प्रवेश युद्ध में प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभिक स्थिति है युद्ध की, और दूसरी अंतिम स्थिति है। तो जय और पराजय का निर्णय तो अंतिम स्थिति से होता है, प्रारंभ से नहीं होता है। कभी कभी कोई दल प्रारंभ में सशक्त लगता है लेकिन बाद में दूसरा दल सशक्त हो जाता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो 42वें काव्य का उच्चारण है, वलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजौ बलम बलवतामरि भूपति नाम। मपि भूपति नाम भी पाठ प्रसिद्ध है, और हरि भूपति नाम ये 400 साल पुरानी एक प्रतिम है, ये 1563 नीचे लिखे हुए ना, विक्रम संवत 1563 के गुटके में, गुटका और गुटखा दोनों में अंतर है। ये गुटका जो होता है ना, वो सब पाठों का एक संग्रह होता है। तो ये 1563 का अर्थ क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया। नहीं, ये इसमें विक्रम संवत की बात चल रही है, तो अभी जो विक्रम संवत है ना, ये अभी गुड़ी पाड़वा के दिन 2000 कौन सा संवत प्रारंभ होने वाला, 80 नहीं, वीर निर्वाण की बात नहीं चल रही है, विक्रम संवत का बोल रहा है, अभी 79 चल रहा था ना, तो अभी बस ये गुड़ी पाड़वा को 80 हो जाएगा। तो अब उसमें से 2080 में से 1563 को बाद करो, घटाओ, पाँच सौ सत्रह वर्ष पूर्व का एक गुटका मिला राजस्थान में, तो उसमें ये पाठ है पुराना। अब फिर बाद की शताब्दियों में कहीं से वो अपी बन गया, मपी बन गया, लेकिन पुराना पाठ जो है वो मरी है, अरी, क्योंकि युद्ध अरी से होता है ना, शत्रु से होता है ना, हर किसी से थोड़ी युद्ध हो जाता है। तो माजो बलम बलवताम अरि भूपतिना उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदाम उपैति। वलगत रंग गज गर्जित भीम नाद माजौ बलम बलवतामरि भूपतीनां उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवेद्धं तत्कीर्तनात्
तम इवा शुभिदाम पैति वल्गत तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजो बलम बलवता मरि भूपतीना उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत्कीर्तनात्तम इवा शुभिदाम पैति हे आदिनाथ प्रभु, बलवताम अरिभूपति नाम बलम, बलवान पराक्रमी शत्रु राजाओं के बल को अर्थात उनका जो सैन्य बल है, जो उन्होंने व्यूह रचना बना करके अपनी सेना खड़ी कर रखी है, कहाँ पर? आजव, आजव का अर्थ होता है रणभूमि पर। शत्रु राजाओं की सेना कैसी है? तो फिर आचार्य लिख रहे हैं वल्गत तुरंग, जहाँ घोड़ों की टाप और फिर उनकी एक आवाज़ होती है ना, घोड़ों की हिसने की हिनहिनाहट की ध्वनि, वो भी जहाँ पर हो रही है। वल्गत तुरंग, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, तरंग का अर्थ लहर होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। तुरंग, तुरग और तुरंगम, ये घोड़े के तीन पर्यायवाची शब्द मिलते जुलते हैं, तुरंग, तुरग और तुरंगम। ऐसे पक्षी के भी तीन पर्यायवाची शब्द इससे मिलते जुलते हैं, विहंग, विहग और विहंगम, ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची। तो हिन हिनाते हुए घोड़ों और गज गर्जित, गज गर्जित का अर्थ होता हाथियों की चिंघाड़। गज शब्द हाथी का वाचक है ना, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। तो हाथियों की गर्जित यानी चिंघाड़ के कारण जिस सेना में भीमनाद, भयंकर आवाज हो रही है, भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ऐसे शत्रु राजाओं की सेना को या उस शत्रु राजाओं की जो सेना है उसकी जो व्यूह रचना बनी हुई है, वह सेना आशु शीघ्र ही उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तमह इव, उगते हुए दिवाकर के मयूख, मयूख शब्द पहले आ चुका है ना, मयूख का अर्थ क्या होता है? मयूख का अर्थ, या ऐसा कहोगे कि ठहरो हम याद कर लेंगे, ऐसा तो नहीं, मयूख यानी किरण होता है। तो उगते हुए सूर्य की किरण शिखाओं से अपविद्ध, अपविद्ध का अर्थ होता है नष्ट किए गए, तमा एव अंधकार के समान, जैसे सूर्य किरणें अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ये शत्रु राजाओं की जो सेना है व्यूह रचना बना करके खड़ी हुई है रणांगण में, वह सेना भी भिदाम उपैति भेदन को प्राप्त हो जाती है, यानी वो व्यूह रचना टूट जाती है। कैसे? वो सबसे मुख्य बात तो वही है, कैसे टूटती है? तो बोलते त्वत कीर्तनात्, आपके कीर्तन से। पहले एक बात आई थी कि आपके कीर्तन से क्या होता है, आपका कीर्तन रूपी जल दावा नल को अशेषम शमयति, पूर्णतः बुझा देता है, शांत कर देता है। वैसे ही आपके कीर्तन से शत्रु राजाओं की सेना भेदन को प्राप्त हो जाती है, यानी उनकी व्यूह रचना टूट जाती है।
जैसे अभिमन्यु ने कौन सी व्यूह रचना तोड़ी थी? चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह का भेदन कर दिया था। जहाँ हिन हिना हट घोड़ों की, जहाँ रहे हाथी चिंघाड़, मची हुई है भीषण ध्वनि जो कानों को दे सकती फाड़। वह सशक्त रिपु नृप की सेना, तब गुण कीर्तन से तत्काल विघटित होती, जैसे रवि से विघटित होता तम विकराल। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। कुछ पाठ में अंतर दिख रहा है? बुक में। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है? ये पुराना वाला पार्ट हो और उसमें बुक में नया वाला हो। अब ये तो हो गया भेदन, उसके बाद भयानक लड़ाई होती है, यानी सेना में सेना का प्रवेश हो गया। अब युद्ध अपनी अंतिम स्थिति तक जा सकता है, तो भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध होते होते अंतिम स्थिति क्या बनती है, उसका वर्णन आचार्य मानदुम स्वामी ने 43वें काव्य में किया। कौन से वाले? 43। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योद भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। ये स तक के बोलना है ना, चौथी लाइन में शुरू में स है, उसको तीसरी लाइन के अंत में बोलना है। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, हे भगवान। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे। युद्ध में, कैसे युद्ध में? तो कुंत का अर्थ होता है भाला, और उसका जो अग्र यानी उसकी नोक, तो भालों की नोक से भिन्न, भिन्न का अर्थ होता है दो भागों में विभाजित। भालों की नोक से विभाजित गज हाथी,
उनके शोणित, शोणित का अर्थ होता है रक्त। शोणित शब्द एक बार और आया था, कहाँ आया था? तो आप बोलो, लेट मी थिंक। सही बोला श्रेय ने, उत्तर सही दिया है। 39वें काव्य में भिन्ने कुंभ गल दुज्वल शोणिताक्त, शोणित शब्द दूसरी बार आ रहा। तो शोणित का अर्थ रक्त होता है, खून होता है, लहू होता है, रुधिर होता है, ब्लड होता है। तो उसके फाड़े हुए हाथी के लहू की वारिवाह यानी नदी सरिता, नदियां बह जाती, इतना भयानक जब युद्ध होता है तो फिर उसमें हाथी भी मारे जाते हैं और उनके खून की नदियां बहने लग जाती है। और उन नदियों में वेगावतार तरणातुर युद्ध भी में वेग पूर्वक उतरने और बाहर होने वाले, इधर से उतरते हैं और उधर से पार होकर के पैर पूरे लहू में लथपथ हो जाते हैं और उधर वो लड़ने के लिए सामने वाले जो विपक्ष हैं उनसे लड़ने के लिए वो हाथियों की लहू की नदियों में प्रवेश करके उस तरफ निकलने को उतावले होते हैं। आतुर का अर्थ होता है उतावले। ऐसे योद्धाओं के कारण भीम, वो युद्ध भयंकर है। भीम शब्द पहले भी आया था, पिछले काव्य में आया था, वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, यहाँ पर फिर से भीम शब्द आ गया है। तो ऐसे भयंकर युद्ध में त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणः, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले यानी आपके चरणों के भक्त, विजित दुर्जय जेय पक्षाः, कठिनता से जीतने योग्य जो जेय पक्ष यानी विपक्ष शत्रु पक्ष, उनको पराजित करते हुए जयम लभन्ते, अंत में विजय को प्राप्त कर लेते हैं, विजय पताका फहराते हैं। बोलते ना विजय पताका, पताका का अर्थ क्या होता है? फटाका नहीं, पताका का अर्थ ध्वजा होता है। तो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले विजय को प्राप्त होते हैं। भालों से हत गजराजों के लबकी सरिता में अविलंब, भीतर बाहर होने वाले युद्धा ला देते हैं कंप, उस रण में तब पद पंकज का होता है जिनको आधार, विजय पताका फहराते वे दुर्जय रिपु का कर संहार, जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। ये जितने भी यहाँ पर संकट बताए हैं, अभी अपन सीधे सीधे पढ़ रहे हैं तो अपने को लग रहा है कि ये बाहर के संकट हैं, लेकिन अगर अपन अंदर देखेंगे ना तो अपने अंदर भी ऐसा युद्ध चल रहा है, अपने अंदर भी ये सारे संकट, एक हाथी अपने अंदर अपने सामने आ रहा है, एक शेर अपने को परेशान कर रहा है, एक आग लगी हुई है अपने अंदर,
ये सारी चीज़ें अपने अंदर भी हो रही हैं, एक सांप भी है। तो इन सब संकटों से आदिनाथ भगवान की भक्ति भक्त को पार लगाती है। अभी अपन बाहर का अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर बाद में अपन अंदर का भी देखेंगे, है ना। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचितन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचितन, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, साधु जन अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, अरिहंत साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य बदलाता छूट गए, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे, वाचित फल रात्रि चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, मौली सारी विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको, मेरा और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।